लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे ने आज कुपवाड़ा के दर्दपुरा इलाके का दौरा करके वहां पर कई एक स्किल सेंटर्स की इनॉग्रेशन की। आपको बता दें, दर्दपुरा विलेज को विलेज ऑफ विडोज भी कहा जाता है, जो 90s में सबसे बड़ा मिलिटेंसी हिट एरिया माना जाता था कुपवाड़ा में। दर्दपुरा इलाके में सबसे ज्यादा बेवाएं रहती हैं, जो सबसे बड़ा मिलिटेंसी हिट एरिया माना जाता था, और वहां पर आज कोर कमांडर ने उन बेवाओं के साथ साथ वहां पर जो ट्रेनिंग लेने जा रहे बच्चे हैं उनके साथ भी मुलाकात की। कुपवाड़ा का दर्दपुरा इलाका, जिसको विलेज ऑफ विडो से भी जाना जाता है, इस गांव में सबसे ज्यादा बेवाएं रहती हैं, जिनके घर वाले 90 के दौर में या तो क्रॉस फायरिंग में या तशद्दुद से मारे गए। इसी गांव में आज चिनार कॉर्पस के कमांडर डीपी पांडे ने दौरा करके 3 स्किल सेंटर्स का इफ्तिताह किया, जिसमें 3 महीने तक 60 से ज्यादा लड़कियों को ट्रेनिंग मुहैया की जाएगी। इस मौके पर कमांडर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मिलिटेंसी का ग्राफ अब नीचे आ रहा है और नौजवानों को तशद्दुद का रास्ता छोड़ अमन का रास्ता अपनाना चाहिए, जिससे उनकी जिंदगियों में सुधार आ सके। इस प्रोग्राम में चिनार कॉर्पस के कमांडर डीपी पांडे ने मुकामी लोगों के अलावा स्कूली बच्चों के साथ भी मुलाकात की। स्किल सेंटर खोलना, मेडिकल कैंप्स कंडक्ट कराना, जेसीबी एफर्ट से लिंक रोड को दुरुस्त करके प्रैक्टिस की होती है, वो अगर आपने ध्यान से पढ़ ली और ट्रेनिंग कर ली तो आपकी जो फ्यूचर है और आपके पूरे परिवार का फ्यूचर है। जाना है तुम लोगों को फौज में? कौन कौन फौज में जाएगा? कहाँ जाओगे? देखिए, स्पेशली जो ये हम वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम कर रहे हैं, ये हमने बड़े ये चीज़ समझा है कि जब औरतें एम्पावर होंगी और इंडिपेंडेंट होना शुरू करेंगी तो उनका परिवार भी सुखी रह सकेगा। और आजकल काफ़ी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रोजेक्ट्स हैं और जहाँ जहाँ पे हमारा पॉसिबल हो सकता है हम उसको सप्लीमेंट करते हैं, ताकि जो लेडीज़ हैं कुछ ना कुछ ट्रेनिंग हासिल करके अपना फ्यूचर बना सके और इंडिपेंडेंट हो सके। और एक परिवार जिसके अंदर अगर 25,000 या 30,000 रुपये की तनख्वाह या पैसा आता है, उसमें अगर 10,000 रुपये सप्लीमेंट करेंगे तो वो परिवार अच्छा बनेगा। उसी तरह एक एम्पावरमेंट से उनको एक कॉन्फिडेंस आएगा, ताकि जो कश्मीर की हालत है आगे से आगे अच्छी हो। तो कश्मीर को ये बताऊँ कि कुपवाड़ा से सीख लें, नॉर्थ कश्मीर से सीख लें, जिन्होंने मिलिटेंसी का सबसे खतरनाक दौर देखा था। ये दर्दपुरा आपके सामने एक एग्जाम्पल है, जो जब एक उसका परिवार के अंदर जब लेडीज़ विडो हो जाती हैं या कोई घर में मेल मेंबर नहीं होता है, तो उनकी हालत जो है अच्छी नहीं होती है। जो है बाकी जहाँ जहाँ पे भी यूथ है जिसने हथियार उठाया है या कोई गलत रास्ते पर चल रहा है, बाकी दुनिया में देखो, देश में, वर्ल्ड को देखो, लोग आगे से आगे चल रहे हैं। आपको भी आगे चलने का मौका मिला है, वापस आओ, मेन स्ट्रीम में आओ, अच्छे सिटीजन बनो, नागरिक बनो और देश की सेवा करो, कौम की सेवा करो। हाँ, बिल्कुल, इजाफा कहाँ हो रहा है? ड्रॉप हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है यार। रिक्रूटमेंट लास्ट ईयर कम हो गई है, इस साल और भी कम हो गई है। मुझे यकीन है कि धीरे धीरे जिस हिसाब से पूरी इनिशिएट चल रही है, खासतौर से आप लोग मीडिया और सोसाइटी को ये समझ में आ गया है कि इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे आप लोग बोलना शुरू करोगे, अपने बच्चों के ऊपर नज़र रखोगे, बच्चों को टेररिस्ट के रास्ते बनने से निकालोगे, तो मुझे यकीन है कि जो एक खुशहाली का समय जो काफ़ी दिनों से कश्मीर में नहीं रहा है, वो वापस आ जाएगा लोगों के ऊपर, के पास में मुस्कुराहट वापस आएगी। बिल्कुल, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने कीमती समय लिया, आप यहाँ पे आए। आज जो यहाँ पे इंडियन आर्मी के द्वारा यहाँ पे एक फंक्शन हुआ था, जिसमें 17 JF की ओर से यहाँ पे जो है एक यूनिट है इंडियन आर्मी का, उनकी ओर से यहाँ पे जो है एक 2 सेंटर जो है यहाँ पे नए जो है जिनका इफ्तिताह हुआ, जिसमें एक कटिंग और टेलरिंग का है, दूसरा नर्सिंग सेंटर है। देखिए, दर्दपुरा का जो इलाका है, इसमें टोटल 5 हल्के हैं और इसकी पॉपुलेशन जो है 23,000 से 25,000 के जो है इर्द गिर्द आसपास है। एज़ पर 2011 के सर्वे के मुताबिक यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो 17,000 है, और अभी की डेट में जो है वो 23,000 से 25,000 के दरमियान की ये पॉपुलेशन है यहाँ पे। इसको विलेज ऑफ विडोज़ इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पे 428 विडोज़ जो हैं यहाँ पे हैं, जो मिलिटेंसी की वजह से कुछ क्रॉस फायरिंग में और कुछ जो है यहाँ पे सिविल किलिंग्स हुई हैं,
उसकी वजह से यहाँ पे 428 जो हैं वो विडोज़ हैं यहाँ पे बहुत, ये बहुत ज़्यादा पसमंदा इलाका है, गरीब इलाका है। तो इस विषय में जो है इंडियन आर्मी से हमने जो है रिक्वेस्ट करी थी कि यहाँ पे थोड़ी सी जो है कुछ थोड़ा बहुत मामनत हो जाए, हेल्प हो जाए जो विडोज़ हैं यहाँ पे। तो उसके लिए यहाँ पे इंडियन आर्मी के द्वारा यहाँ पे आज फंक्शन रखा गया था जिसमें जो विडोज़ हैं, जो डोबी विडोज़ हैं, उनको कंपनसेशन थोड़ा बहुत आर्मी की ओर से हेल्प मिली, किसी को स्विंग मशीन मिली, किसी को सोलर। फैशन की दुनिया में काबिले फख्र नाम जेके आर्ट्स एम्पोरियम होलसेलर एंड जेके मार्ट रिटेलर, जहां मर्दों, खवातीन और बच्चों की मुकम्मल रेंज दस्तियाब है। जी हां, लेडीज कैजुअल सूट्स, पार्टी वेयर सूट्स, वेडिंग सूट्स, लहंगा, शेरवानी, जेंट्स पैंट्स, कुर्ता पजामा, सूटिंग शर्टिंग, लेडीज बैग्स, कश्मीरी शॉल्स, ब्लैंकेट्स, कॉस्मेटिक आइटम्स, तमाम वेडिंग आइटम्स और भी बहुत कुछ। इसके अलावा बच्चों के मलबूसात भी दस्तियाब हैं। याद रहे, ईद के मौके पर तमाम आइटम्स पर 10-20% डिस्काउंट भी है और एक स्पेशल ऑफर भी। अगर आप 10,000 तक की शॉपिंग करते हैं तो आपको फ्री गिफ्ट एक टी शर्ट मिलेगी। तो देर किस बात की, तशरीफ लाइए जेके आर्ट्स एम्पोरियम होलसेलर एंड जेके मार्ट रिटेलर, नजदीक ग्रामीण बैंक, गुलमर्ग रोड, बागाम। सेल नंबर 9906477112। कम एंड फील द डिफरेंस, जेके आर्ट्स एम्पोरियम होलसेलर एंड जेके मार्ट रिटेलर, ए कंप्लीट फैशन हब।